हिमाचल में कुल्लू में बारिश से बिगड़े हालात, नाले उफान पर आने की वजह से रिहायशी इलाकों में मार्केट में भी पानी पानी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लैंडस्लाइड, मलबा गिरने से हाईवे बंद। हिमाचल के चंबा में आफत बनी बारिश, तेज लहरों के बीच स्कूल जाते दिखे बच्चे। हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी, भूस्खलन और बाढ़ का भी खतरा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का 50 मीटर हिस्सा गायब। उत्तराखंड के चमोली में आसमानी आफत का कहर, लैंडस्लाइड होने से बड़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में फटा बादल, कई घरों को नुकसान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फुटओवर ब्रिज को नुकसान, जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा रोड पर उफनाती नदी का पानी, खतरे को देखते हुए रास्ते को बंद किया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वर्धा नदी का तांडव जारी, पानी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात। राजस्थान में आसमानी बारिश का सितम, जयपुर के बाजार और गलियों में पानी ही पानी। राजस्थान के जालौर में सुकड़ी नदी की तेज धार की अनदेखी पड़ी भारी, दो बाइक सवार नदी के तेज बहाव में बहे। दादरा और नगर हवेली में भारी बारिश के बाद बाढ़, एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे 22 लोगों को बचाया। मध्य प्रदेश के देवास में उफनती नदी में बहा लड़का, लोगों ने रेस्क्यू किया। दिल्ली में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के पार। यूपी के बागपत में भारी बारिश से गिरी जर्जर दीवार, मलबा गिरने से कार को नुकसान। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश का प्रहार, बाढ़ के हालात के बाद जरूरी सामान की सप्लाई। ताइवान में डोक्सुरी तूफान ने मचाई तबाही, पेड़ों और घरों को नुकसान। डोक्सुरी तूफान की जद में आया चीन का बड़ा इलाका, फुजियान प्रांत में लाखों घरों की कटी बिजली। 16 दलों के 21 सांसदों का मणिपुर दौरा, हिंसा प्रभावित इलाकों की जानेंगे जमीनी हकीकत। इंडिया गठबंधन के सांसद राहत शिविरों को अभी दौरा करेंगे, कल इंफाल में राज्यपाल से भी मुलाकात। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का केंद्र सरकार पर बड़ा प्रहार, बोले मणिपुर के मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मणिपुर दौरे पर गए इंडिया नेताओं पर बोला हमला, कहा इन नेताओं को जाना चाहिए बंगाल। मणिपुर में शांति बहाली के लिए सड़क पर बैठी महिलाएं, विष्णुपुर के सेना के जवानों का रास्ता रोका। मणिपुर के विष्णुपुर और चूरा चांदपुर में हुई हिंसा, अस्पताल में अब तक 306 घायल भर्ती, इलाज के लिए बेड्स की कमी। 2024 चुनाव को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान, 38 नामों में 23 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में संजय बांदी, राधामोहन अग्रवाल, सुनील बंसल, कैलाश विजयवर्गीय बने महासचिव, बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महासचिव बने रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक दिन का राजस्थान दौरा, विधानसभा चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया, प्रगति मैदान में भारत मंडपम में बच्चों से बातचीत की, प्रदर्शनी को भी देखा। राज्यसभा में सोमवार को आने वाले दिल्ली सरकार से जुड़े बिल को लेकर घमासान तेज, बिल पेश होने के दौरान शरद पवार की मौजूदगी पर सस्पेंस। एसपी महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का बद्रीनाथ मंदिर पर बयान, बोले बौद्ध मठ को तोड़ करके बनाया गया था बद्रीनाथ मंदिर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बयान देने से पहले स्वामी को सोचना चाहिए था। बद्रीनाथ धाम को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर विवाद, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बयान को तथ्यहीन बताया। कोलकाता में अवैध निर्माण नहीं गिराने पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा कोलकाता नगर निगम यूपी के सीएम से किराए पर ले बुलडोजर। लंदन में आज धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार, भारतीय समय अनुसार 7 बजे लंदन में होगा सीधा प्रसारण। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में पंचायत चुनाव के बाद भी हिंसा जारी, टीएमसी पंचायत सदस्य को गोलियों से भूना गया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समंदर में फंसे जहाज से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 8 वैज्ञानिक समेत 36 लोगों को सुरक्षित निकाला। मध्य प्रदेश के सतना में दिल्ली की निर्भया जैसी वारदात, नाबालिग के गैंगरेप के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार।
मैहर में आदिवासी बच्ची से गैंगरेप मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। डीजीपी से 7 दिन के भीतर मांगी पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश के मैहर गैंगरेप मामले में बड़ा एक्शन। गैंगरेप के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। झारखंड के बोकारो में हाई टेंशन तार की चपेट में आया ताजिया, 4 लोगों की मौत। पंजाब के रोपड़ में कलयुगी पिता बना हैवान, पिता की पिटाई से नन्ही बच्ची की हुई मौत, अस्पताल से फरार हुआ आरोपी। दिल्ली के उस्मानपुर में नाबालिग से बेरहमी का वीडियो वायरल, क्रेन से बैटरी चुराने पर क्रेन से बांधकर भीड़ ने पीटा। यूपी के गाजियाबाद में मेरठ रोड पर बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में पति पत्नी दोनों घायल।